फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो का रिव्यू लेके आई हूँ। यहाँ पर मेरे पास के ब्यूटी का काजल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर के ब्यूटी का काजल कोल स्टार 24 आवर्स काजल है। गाइज, इसकी जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है वो मेरे से मिस हो गई है, लेकिन जो इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी काफ़ी अच्छी और लग्जूरियस पैकेजिंग थी। जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो वेट है 0.35 ग्राम है, 1 ग्राम से भी बहुत कम है ये। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2022 से, एंड जो एक्सपायरिंग डेट है आप इसको यूज कर सकते हैं 2024 तक, इसको यूज कर सकते हैं, 2 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। एंड तो इसका जो प्राइस है मैं आपको बताती हूँ, 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है, और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है, ये एज इट इज़ रेट पे ही मिलती है। तो मैं आपको अंदर से इसका प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इसकी जो पैकेजिंग है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। एंड ये यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आप देखिए, ये आप इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये देखिए। पर फ्रेंड, ये टाइम चलता नहीं है, इतना टाइम से पहले सूख जाता है। मैं आपको यहाँ पर स्वेच करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, नॉट बैड, आप देख सकते हैं। मैं इसको अपने आँखों में डालूँ तो आप देख सकते हैं अच्छे से लग रहा है मेरे आँखों में, ये देखिए। काफ़ी अच्छे से लग गया है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। नॉर्मल काजल लगाया है मैंने, एक ही स्वाइप में लग गया है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड लगा ली है, दोनों आंखों में लगा ली है, और काफ़ी खूबसूरती से काजल लगी हुई है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी है। इसकी स्टे पावर बताऊँ तो 4 से 5 घंटे ही है, 24 आवर्स नहीं है इसकी स्टे पावर। अगर आप वॉटराइज होती हैं तो आप इसको 3 से 4 घंटे बाद आराम से दोबारा से अप्लाई कर लें, आपके पर्स में आराम से चली जाएगी। ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका कैप की ग्रिप है, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी है। एंड सिर्फ इसकी लॉन्ग लास्टिंग इसमें जितना बताया गया है उतना नहीं है, कम है, 4 से 5 आवर्स है। तो गाइस, इसका वाटरप्रूफ टेस्ट मैं देती हूँ। ये देखिए, गाइस वाटरप्रूफ तो है, थोड़ा सा ये ताज़ा लगी हुई थी तो हल्की सी स्मच हुई है, और ज़्यादा स्मच नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं, वाटरप्रूफ तो है ना। लेकिन फिर भी इसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है 4 से 5 घंटे बाद। मेरी तरफ से इस काजल को 5 में से 4 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लेम किया गया है वो उसके मुताबिक नहीं है, 24 आवर तक ये नहीं चलती है। तो गाइज, अगर आपको ये परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है के ब्यूटी का। इसका प्राइस अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि ड्रॉप हुआ है। गाइज, इस प्रोडक्ट को आप डेली यूज करने के लिए ले सकते हैं। तो गाइज, ये था मेरा के ब्यूटी के काजल का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।